नमस्कार, ये है फलक की कहानियों का अद्भुत संसार, किस्सा कहानी। मैं लावण्या नायडू आपको सुना रही हूँ अपनी लिखी कहानी जिसका शीर्षक है छलावा। अब तक आपने सुना इंस्पेक्टर ने आखिर ढाबा, जो दिन में खंडहर था, और अमर सिंह को देख ही लिया। पास के गांव में एक आदमी को होश आया है जिसे ढाबे के बारे में शायद कुछ पता है। आज हम सुनेंगे छलावा का अगला भाग, भाग 5। इंस्पेक्टर अपना पसीना पोंछते हुए गाड़ी में आगे बढ़ने लगा। उधर मयूर और उसके दोस्त हवलदार के साथ आगे पैदल चल रहे थे। उन्हें अचानक एक लड़की के पुकारने की आवाज आई, मयूर मुझे बचा लो, मयूर विनय प्लीज देखो, मैं यहां फंसी हुई हूं। मयूर और विनय पलटकर देखने ही वाले थे कि हवलदार ने उन्हें रोक लिया। साहब पीछे मत पलटना, आप तो यहाँ किसी को नहीं जानते, तो कोई आपको कैसे पुकार सकता है, ये सब एक छलावा है। मयूर और उसके दोस्त एक दूसरे का हाथ कस के पकड़कर चलने लगे। थोड़ी देर आगे बढ़े ही थे कि उनको सूरज दिखाई दिया। दिनेश खुश होकर बोला, अरे यार देख, सूरज हमारा दोस्त मिल गया। इतना बोलकर भाग के उसकी तरफ जाने ही वाला था कि मयूर ने उसे रोक लिया और कहा, यहाँ सूरज नहीं है, अगर वो होता तो एक जगह खड़ा होकर नहीं पुकारता, तू सर झुका के आगे चल चुपचाप। विनय को भी नकुल के पुकारने की आवाज आई, पर उसने अपने हाथ से मयूर को कस के पकड़ लिया और आगे चलने लगे। इतने में एक गाड़ी आकर रुकी जिसमें से इंस्पेक्टर उतरने लगा, तो उस गाड़ी के मालिक ने कहा, सर आप अगर चाहें तो मैं आपको आगे तक छोड़ दूंगा। इंस्पेक्टर ने कहा, जी नहीं धन्यवाद, आप हमारी मदद करना चाहते हैं ये अच्छी बात है, पर किसी भी अनजान को ऐसे हाईवे पर, वो भी आधी रात को, मदद करने के लिए मत रुकना, खासकर इस रास्ते पर। गाड़ी का मालिक बोला, सर वो तो आपने अपना आईडी दिखाया था तभी मैंने आपको अपनी गाड़ी में बिठाया, और मैं भी एक गवर्नमेंट ऑफिसर हूँ तो असली नकली की पहचान हो जाती है। आप चाहें तो एडजस्ट करके बैठ जाइए, मुझे मेरे दोस्त को कोई तकलीफ नहीं होगी। इंस्पेक्टर ने सबको गाड़ी में बैठने का इशारा किया और वे लोग वहां से निकल गए। गाड़ी का मालिक बोला, सर आप उस ढाबे की बात को लेकर हम लोगों को बोल रहे हैं ना, कि हाईवे पर भरोसा मत करना। इंस्पेक्टर ने उसकी तरफ देखा। गाड़ी मालिक बोला, सर मैंने भी आईने में उस ढाबे के मालिक को देख लिया था। जैसे तैसे अपने आप को संभालते हुए मैंने गाड़ी भगाई, सच कह रहा हूँ बहुत डर गया था सर। थैंक यू, आज आप वहाँ हमें बचाने नहीं आते तो पता नहीं क्या हुआ होता। गाड़ी मालिक ने सबको दूसरे गांव छोड़ दिया और वो अपने रास्ते निकल गया। इंस्पेक्टर ने वहाँ के पुलिस स्टेशन फ़ोन करके अपने आने की खबर दी। वो लोग वहाँ के हॉस्पिटल पहुँचे, डॉक्टर ने सिर्फ पुलिस को मरीज से मिलने की इजाज़त दी। इंस्पेक्टर मरीज से मिलने गया और पूछताछ शुरू की। कुछ एक डेढ़ घंटे बाद वो लोग बाहर आए। मयूर ने इंस्पेक्टर से पूछा, सर कुछ पता चला क्या? हाँ भी और नहीं भी, यहाँ से चलिए बाद में बताता हूँ। फिर वो लोग वहाँ से अपने गाँव जाने के लिए निकल गए। इस पुलिस स्टेशन की गाड़ी ने उन्हें उनके गाँव छोड़ दिया। पुलिस स्टेशन पहुंचने पर इंस्पेक्टर ने मयूर और उसके दोस्तों से कहा, सब बहुत थक गए होंगे, थोड़ा आराम कर लीजिए, आज बहुत काम है, थोड़ी देर में मिलते हैं। सर पहले बताइए तो उसने क्या बयान दिया? वो सब मैं आपको बाद में बताता हूँ, तब तक शायद फॉरेंसिक रिपोर्ट भी आ जाएगी, सारी बातों की कड़ी जोड़ने में आसानी होगी, अभी तो मैं खुद बहुत कन्फ्यूज्ड हूँ। सुबह होते ही सब तैयार होकर पुलिस स्टेशन पहुंच गए। इंस्पेक्टर ने बारातियों की फाइल निकाली, फॉरेंसिक रिपोर्ट भी सामने थी और कल रात के गवाह का बयान भी। सारी चीज़ों को देखने के बाद इंस्पेक्टर ने हवलदार को बुलाया और पूछा, क्या उस दिन जब आप वो बस यहाँ लेकर आए तो आपको उससे पहले मैकेनिक को दिखाना पड़ा? मेरा मतलब है, क्या वो सही में बस ख़राब थी? हवलदार ने जवाब दिया, नहीं साहब, बस तो बिल्कुल ठीक थी और ना ही यहाँ तक लाने में हमें कोई तकलीफ हुई थी।
इंस्पेक्टर ने फिर सबको साथ लेकर सारी कड़ियां जोड़ने की कोशिश की और कहा, उस चश्मदीद के बयान के अनुसार बस खराब हो गई थी। ड्राइवर और कंडक्टर ने बहुत कोशिश की पर बस चालू नहीं हुई, तो दो चार लोग मैकेनिक ढूंढने आगे बढ़ गए। उन्हें एक ढाबा दिखा तो उनमें से एक सबको खाना खाने बुलाने के लिए आया। गवाह को बहुत नींद आ रही थी तो उसने साथ आने से मना कर दिया और बस में ही सो गया। जब उसकी नींद खुली, घड़ी देखी तो पता चला सबको जाकर बहुत समय हो चुका था, तो वो भी ढाबे की तरफ चला गया। पर उसने थोड़ी दूर से ही ऐसा कुछ देखा कि डर के मारे उसके आगे जाने की हिम्मत नहीं हुई, तो झाड़ के पीछे छुप गया। उसने देखा वो ढाबा धीरे धीरे अपना रूप बदल रहा था, एक खंडर में तब्दील हो रहा था। एक बूढ़ा आदमी, जवान लड़की और एक नौजवान, जिनका शरीर अचानक से सफ़ेद पड़ने लगा और शरीर पर बड़े बड़े घाव उभरने लगे, जबकि उन पर किसी ने कोई वार नहीं किया। उसके बाद क्या हुआ उसे भी कुछ पता नहीं। कल जब उसे होश आया तो उसने अपने आप को हॉस्पिटल में पाया। वहाँ के इंस्पेक्टर ने बताया कि किसी राहगीर ने उसे वहाँ छोड़ गया। फॉरेंसिक रिपोर्ट में कुछ खास पता नहीं चल पा रहा है। मुझे थोड़ा और समय चाहिए उस ढाबे की ट्रिपल मर्डर केस को थोड़ा बारीक से पढ़ने के लिए। सब वहां से उठकर जाने लगे। इंस्पेक्टर ने हवलदार से कहा, कल रात हमारी जीप जो खराब हो गई थी उसे जाकर ले आओ, अब वो चालू हो जाएगी। हवलदार ने हैरानी से इंस्पेक्टर की तरफ देखा और वहां से चला गया। इंस्पेक्टर ने पूरी रिपोर्ट अच्छे से पढ़ी और सोचा, ये केस जितना सीधा दिखता है उतना है नहीं। इंस्पेक्टर ने बिना किसी को बताए अकेले रात को उस ढाबे में जाने का तय किया। आज की कहानी बस इतनी ही। आगे क्या मोड़ लेगी ये कहानी, जानने के लिए सुनिए कहानी का अगला भाग। आप सुन रहे थे लामिया नायडू की आवाज़ में कहानी छलावा। यह है फलक का चैनल किस्सा कहानी। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं ताकि कहानी सबसे पहले आप सुन सकें। धन्यवाद।